तो अब हम लोग आ गए हैं वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज लेने के लिए। हाँ, तो हम लोग आ गए हैं वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज लेने के लिए। और ये है रांची का फुटबॉल स्टेडियम, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो हाय, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है अतिया रोलिंदा की मस्ती की दुनिया में। और वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज हो चुका था, सेकेंड डोज लेना था, तो आज हम लोग का सेकेंड डोज है। हम लोग सेकेंड डोज के लिए आ चुके हैं, तब देखते हैं क्या करना पड़ेगा। अब उतना ज़्यादा भीड़ तो है नहीं, रजिस्ट्रेशन करवाना है, क्या करवाना है, तो वो चलिए देखते हैं क्या होता है। भाभी और भाई, भाईजन नहीं है, भाईजन घर में, भाभी और मिस्टर सर्वर अभी गए हैं, चेक करके आते हैं। ये देखिए पूरा नज़ारा, रांची का फुटबॉल स्टेडियम मोराबादी, वेरी स्पेशियस एंड ब्यूटीफुल। यहाँ पे रेडी हैं वैक्सीन लेने के लिए, और यहाँ पे रेडी है भाभी वैक्सीन के लिए। इस बार जो इंजेक्शन डाली उन्होंने बहुत बेरहमी की तरह डाला गया, जैसे लगा कि हम लोग कोई जानवर है, बस ये डाल दो, इट्स पेनिंग। मिस्टर सर्वर, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत डेंजर इंजेक्शन डाली है बाबा को। भाभी, ऐसा लग रहा था वेटरनरी हॉस्पिटल है एंड सारा प्रोसीजर हो रहा है। बस ये इतना फास्ट ऐसे, अरे क्यों भाई, ऐसा क्यों जुल्म। और इससे पहले वाला जब हम लोग वैक्सीन लिए थे उसमें पता तक नहीं चला था कि हाँ कुछ मिला या कुछ लगा। तो अगर कोई मेरा ये वीडियो देख रहा है जो नर्सेस हैं या कुछ भी, तो प्लीज़ यार ऐसा मत क्या करो। और ये देखिए यहाँ पे इस तरह का बोर्ड बना दिया गया है सेल्फी लेने के लिए। वैक्सीनेशन का डे टू, मतलब कल डे वन था जो हम लोग लेकर के आए, पर मेरा स्वेल हो गया है वहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे मेरा स्वेल हो गया है और मुझे पेन भी है वहाँ पे, क्योंकि इस बार वो अच्छा से बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, भाभी और मिस्टर साहब को कोई दर्द नहीं है, वहाँ पे स्वेल भी नहीं हुआ है। मेरा जो लगता है जो कच्चा से करती ना, उसी वजह से ऐसा हो गया। लेकिन कोई बात है, मैं इसमें थ्रोमोफोम जेल लगा रही हूँ। और कल बहुत ज़्यादा नींद जैसा लग रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी, पूरा आँख लाल हो गया था, नींद बिल्कुल भी नहीं आई। और मुझे रात में नींद 1 बजे के लगभग आई है, तो और अभी सवेरे हम लोग उठ गए हैं। अब देखते हैं पूरा दिन कैसा रहता है, या फिर कुछ फीवर वगैरह आता है तो अगर जो भी होगा वो मैं तो अपडेट दे ही दूँगी। लेकिन आप लोग सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग भी जाके वैक्सीन ले लें। ये अफवाह में ना रहे कि जिसने वैक्सीन लिया उसका तो 2 साल के अंदर जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर होगा तो होगा ना, चलो भाई 2 साल है, जी लो बिंदास। वैक्सीन का थर्ड डे और फीवर वगैरह नहीं आया, सिर्फ मेरे हाथ में पेन रहा, क्योंकि ऑल बिकॉज ऑफ दैट नर्स, नर्स लिया की जो भी थी वो उसने बहुत ख़राब इंजेक्शन डाला था। तो आज पेन कम है, थोड़ा है टच करने पे, और थ्रोमोफोम जेल में लगा रही थी, बट फीवर वगैरह नहीं है। हाँ, इस बार जो था वो इस बार बिल्कुल एकदम बॉडी को सुस्त कर रहा था, लग रहा था नींद आ रहा है हर वक्त, थोड़ा सा सरस से लग रहा था। और बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने का मतलब ये है कि प्लीज़ आप लोग भी जो जो वैक्सीनेशन नहीं करवाए हैं वो प्लीज़ जाओ यार, वैक्सीन लो। वैक्सीन का फोर्थ डे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परफेक्ट हूँ, मस्त हूँ, बिंदास हूँ। तो इसलिए डोंट टेंशन, टेंशन वेंशन नहीं लेने का, लेना है तो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन लेने का। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा भी इंस्पायर होंगे, अयो यार बोल लेने दो यार, तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं दिखाती हूँ कि बदमाशी कर कौन रहा है, ये देखिए। बाय करो, बाय।